यहाँ पे इसराइल के हवाले से जो उनके सफारती ताल्लुकात कायम हुए हैं, हम समझते हैं कि दुनिया में एक नई तब्दीली आ रही है, सारी दुनिया तब्दील होने जा रही है, ताल्लुकात के निज़ाम को तब्दील किया जा रहा है। इस मौके पे पाकिस्तान को चाहिए कि वह होश के नाखून ले और जमहूरी रास्ता दे के पार्लियामेंट को उस हैसियत में आगे लेके आए कि इन तमाम वाकयात को देख के जांचे और पाकिस्तान के लिए ऐसा रास्ता इख्तियार करे जो कि पाकिस्तान यानी अंदरूनी कश्मकश से भी बचे और बैरूनी कश्मकश से भी बच सके। ये एक ऐसा तब्दीली है कि शायद सदियों के बाद ऐसी बात हुई है जो कि अरब कंट्री में जो कुछ हुआ है, और जो हम उस पर मज़ीद इसलिए बात नहीं करना चाहते कि इसमें बैठने की ज़रूरत है, और तमाम सियासी कुव्वतों को एक ही मौक़िफ़ इख्तियार करना है और इस मुल्क और इस खित्ते की खातिर एक मौक़िफ़ इख्तियार करना है कि हम अब इसके बाद हमें क्या करना है। लिहाजा हम इस बात पे वाज़े हैं कि हम फ़ख्र अफ़गान बादशाह ख़ान के सोच और फ़िक्र के मुताबिक, अमन के मुताबिक, अदम तशद्दुद के मुताबिक, सारी दुनिया से नफ़रत ख़त्म करना, तशद्दुद ख़त्म करना, हर एक की हैसियत को तस्लीम करना, भाईचारे के साथ रहना, यही हमारा मकसद है। और हम समझते हैं कि पार्लियामेंट अब वो अफादियत हो चुकी है, लिहाजा पार्लियामेंट के हवाले से मजीद बात हम नहीं करना चाहते, सिर्फ इतना कि असल पार्लियामेंट होनी चाहिए, यानी एक ऐसा इंतखाबात जो कि पब्लिक को भी मंजूर हो, मुदाखलत भी ना हो और शफाफ इलेक्शन हो, और जो भी जीते उसी को आगे आने दिया जाए और ये तमाम फैसले वो दुआ वो जी अलहम्दुलिल्लाह।